डॉक्टर झटका घर में नहीं है। आपने मोटू पतलू वीडियो YouTube पर देखा होगा, आप भी मोटू पतलू वीडियो YouTube पर अपलोड करके महीने की अर्निंग करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको वीडियो कहां से डाउनलोड करना है, तो आपको मैं इस वीडियो बताऊंगा आपको वीडियो कहां से डाउनलोड करना है। आप गलती क्या करते हो कि आप वीडियो डाउनलोड करके डायरेक्ट अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो, इस तरह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए वो आपको मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहाँ पर लिखना है मोटू पतलू। आप जैसे ही मोटू पतलू लिखोगे आपके सामने यहाँ बहुत सारी मोटू पतलू वीडियो आपके सामने नजर आ जाएगी। दोस्तों मैं इस वीडियो में जो मेथड आपको बताऊंगा, अगर आप उस मेथड को अप्लाई करोगे तो आपके चैनल पर कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर ओके करना है। 3 डॉट पर ओके करने के लिए आपको इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। आप इसकी लिंक को कॉपी करके इसको डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करके नहीं बता सकता क्योंकि ये YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगा तो चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। आपको पता है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब इसे काइनमास्टर एप्लीकेशन में ले आना, तो चलो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको वो वीडियो जो आपने डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पर लाना है। तो आपको मीडिया पर ओके करना है। मीडिया पर ओके करने के बाद आपकी वो जो वीडियो आपने डाउनलोड की थी उस वीडियो को आप यहाँ पर ले आएंगे। ये वीडियो को हमने यहाँ पर ले आया। अब वीडियो को लाने के बाद यहाँ पर आपको एक काम क्या करना है, आप जो भी वीडियो डाउनलोड करो तो वो वीडियो कम से कम 10 मिनट की हो। 10 मिनट तक की वीडियो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लो। मैं यहाँ पर 2 मिनट की वीडियो डाउनलोड करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 मिनट की वीडियो डाउनलोड करके आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी में सब सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो शुरू के कुछ पार्ट रहेंगे आगे के पार्ट, जैसे अभी देखो यहाँ से ये इतना है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जो पहले शुरू के पार्ट थे इस पार्ट को आपको कट कर देना है। तो आपको ट्रिम पर ओके करना है और ट्रिम टू लेफ्ट पर ओके कर देंगे। ये पार्ट कट कर दिया आपने, यहाँ से शुरू कर लिया। तो आप देख सकते हो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वीडियो को देखो लोगो दिख रहा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आपको इसको हाइड करना है। आपको सबसे पहले जो भी आपकी वीडियो में लोगो होगा, जो चीज़ भी लिखी होगी उसको आपको हाइड करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर पेन जूम पर ओके करना है। पेन जूम पर ओके करने के बाद आपको बराबर पर ओके कर देना है। बराबर पर ओके करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से आपको जूम कर लेना है। ऐसे आपको यहाँ पर जूम कर लेना है। आप इस तरह से जूम कर लेगो, देखो वो जो लोगो था यहाँ पर हट चुका है, वो सब यहाँ पर हट गए। इस तरह से आपको जूम कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट में भी जो ये लास्ट के पार्ट है यहाँ पर भी देखो, इनके यहाँ पर लास्ट में भी देखो यहाँ पर लोगो दिखेंगे, तो आपको ये लोगो को भी यहाँ पर लास्ट में कट कर देना है। इसको यहाँ से भी आपको ऐसे करके ट्रिम कर देना है। तो आपको यहाँ पर ट्रिम राइट पर ओके कर देना है। इस तरह से आपको ट्रिम कर देना। और आपको बीच के भी पार्ट, जो बीच के पार्ट होते हैं, जो बीच में भी कुछ वर्ड जो फोकट है, जो वर्ड आप एक्स्ट्रा है आपके काम के नहीं है, उसको भी आप यहां से कट कर दोगे। तो उसको कट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले इस पर आपको ओके करना है, इस पर आपको ओके करना है। और यहां पर जो वो पार्ट, जैसे यहां के पार्ट देखो ये फालतू है, ये पार्ट को मुझे कट करना है, तो आपको इस पर ओके करना है। और यहां पर ट्रिम पर ओके करना है, स्प्लिट पर ओके करना है। स्प्लिट पर ओके करने के बाद वो पार्ट अब जहाँ तक के आपके ये पार्ट आपको है ये काम के नहीं, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो इसको यहाँ से ये काम के नहीं है, तो इस पर आपको ओके करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस पर ट्रिम पर ओके करना है, फिर स्प्लिट पर ओके करना है, और बीच के पार्ट को आपको यहाँ पर कट कर देना है। इस तरह से आपको कटिंग करना है, इसमें आपके बीच बीच के पार्ट को आपको कट कर देना है। 10 मिनट की वीडियो को आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो बना लेना है, आपको उतना कट कर देना है। अब ये कटिंग हो गया, कटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इसे जूम भी कर लिया, उसके लोगों को भी छुपा दिया। अब इसमें आपको एक फ़िल्टर डालना है, आपको कोई भी एक फ़िल्टर डाल देना है, ताकि आपकी ये वीडियो अब ऐसा लगे कि ये वीडियो आपकी है, ये वीडियो को आपने बनाया, आपने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप फ़िल्टर पर ओके करेंगे। फ़िल्टर पर ओके करने के बाद आप यहाँ पर पहले पर ओके करेंगे और इसे यहाँ पर याला फ़िल्टर लगा देंगे। आप जो भी फ़िल्टर आपको पसंद रहेगा याला फ़िल्टर यहाँ पर इसको लगा देंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट का देखो यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर ओके करोगे आप यहां से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहां पर कुछ भी आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहां पर कर देंगे, इसे यहां पर एडजस्टमेंट कर देंगे आप यहां से अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग यहां पर आपको एडजस्टमेंट कर देना है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अब ये सारी चीज़ें आपने कर दिया, अब इसमें करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन और दिखेगा वॉइस चेंजर का। आपको देखो यहां पर एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वॉइस चेंजर वाले ऑप्शन पर आपको ओके करना है।
आप जैसे इस पर ओके करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारी वॉइस नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पर बच्चे की वॉइस जैसे कर देंगे, आप ये वीडियो क्रिएट करके देखो, ये वॉइस को अभी देखो, यहाँ पर ये जो रहेगा ये बच्चे की तरह बोलेगा, इसकी वॉइस अब यहाँ पर बच्चे जैसे हो गई है। आप अगर वॉइस को भी चेंज कर दोगे, वॉइस सबसे मेन होती है, आप अगर यहाँ पर वॉइस को भी चेंज कर दोगे तो आपके चैनल पर कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप इस तरह से वॉइस भी चेंज करके इसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप इस पर एक यानी अपने चैनल का नाम और अपना यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पर ओके करना है, मीडिया पर ओके करना है, मीडिया पर ओके करने में आपको इमेज एसेस पर ओके करना है, फिर आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद अब आपको इस बैकग्राउंड को थोड़ा क्रॉप कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आप यहाँ से क्रॉप कर लेंगे तो आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर ओके करना है और ये बैकग्राउंड को आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। इसे आप क्रॉप कर ले, क्रॉप करने के बाद इसे बड़ा कर लेंगे आप। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर इसे नीचे यहाँ पर लगा देना है लाके। आपको जब इसे नीचे आप यहाँ पर लगा देंगे, अब इसके जो ये आपके बैकग्राउंड है इसके भी लेंथ को ड्यूरेशन जो है पूरी वीडियो जितनी बड़ी है उतनी बड़ी आपको इसकी ड्यूरेशन को कर लेना है। आप पूरी एंड तक कर लोगे इसके। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि ये मोटू पतलू है, आप एक्स वाई जेड आपका जो भी यानी यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आप अगर अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हो, आप कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोटू पतलू। मोटू पतलू लिखने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से इस पर जो यहाँ पर फॉन्ट वाला ऑप्शन है इस पर ओके करना है और यहाँ से आपको इसके फॉन्ट को चेंज कर देना है। इसके फॉन्ट को आपको चेंज कर देना और इसके आपको कलर को भी चेंज कर देना। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, इस कलर वाले ऑप्शन पर ओके करना है। इसके कलर को रेड हम ले लेंगे, इसके कलर को रेड ले लेंगे। रेड लेने के बाद इसे बड़ा करके हम यहाँ पर यह इस तरह से लगा देंगे। ये लगा दिया आप। अब आप यहाँ पर इमोजी भी लगा सकते हो, आपको यहाँ पर हंसने वाली इमोजी लगा देना है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा है इसकी भी लेंथ को पूरी वीडियो जितनी बड़ी वीडियो है ना उतनी बड़ी ड्यूरेशन में आपको इसकी भी लेंथ को कर देना है। इसकी भी लेंथ को आप वीडियो के इतनी बड़ी कर लेंगे। उतनी करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें इमोजी लगाना है। तो आपको लेयर पर ओके करना है, मीडिया पर ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी इमोजी है उस इमोजी को यहाँ से ले लेंगे। इमोजी लेने के बाद आपको यहाँ पर ये हंसने वाली इमोजी जो ये भी यहाँ पर लगा देंगे आप। इस तरह से आपको यहाँ लगा देना। इमोजी लगाने के बाद आपको इसका एक कॉपी ले लेना है, यहाँ से थ्री डॉट पर ओके करना है, डुप्लीकेट पर ओके करना है। आपका इसका एक यहाँ पर कॉपी आ जाएगा, उसको भी आप यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से आप इमोजी भी लगा देंगे हंसने वाला और यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देंगे। अगर आप इस तरह से वीडियो को एडिट करोगे तो आपकी वीडियो पर कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप अगर इस तरह से वीडियो को अपलोड करोगे, ये सारे प्रोसेस और मेथड को अप्लाई करोगे तो आपके वीडियो पर कभी कोई कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट।